जहां देश में गायों को बचाने के लिए अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, वहीं बिंदारी गांव की गायें जिस तालाब से पानी पीने के लिए जाती थी उस रास्ते को ग्राम बंधा के कुछ दबंगों द्वारा बीच रास्ते में तारों की फेंसिंग करके रोक दिया गया है, जिसमें 3 दिन से ग्राम बिंदारी की गायों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। विवश होकर आज लगभग बिंदारी गाँव के 150 व्यक्ति मोहनगढ़ तहसील में पहुंचे और रास्ता खुलवाने के लिए सामूहिक रूप से मोहनगढ़ तहसीलदार को एक आवेदन पत्र दिया और कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे गाँव की गायें जिस रास्ते तालाब में पानी जाती थी उसे खुलवाने की कृपा करें, जिससे हमारी गायें प्यास से मर रही है और उन्हें बचाया जा सके। जिस पर मोहनगढ़ तहसील ने कहा कि 2 दिवस के अंदर दबंगों द्वारा जो रास्ता अवरोध किया गया है वह खुलवा दिया जाएगा। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अभ्य शुक्ला की रिपोर्ट। सर, अब मोहनगढ़ तहसील किस संबंध में आवेदन देने आए? बधा के कुछ दबंग लोगों ने हमारे गांव की रास्ता बंद कर दी है, जिससे तालाब में रास्ता पशुओं को चढ़ने और पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। कितने दिन पहले? 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से हमारे पशु गांव में ही हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 3 दिन काम कह रहा है यार, आज आवेदन आज हमने तहसीलदार को आवेदन दिया। 9 दिन पहला बढ़िया ही। बिनारी के ग्राम वासियों ने सामूहिक रूप से जो मोहनगढ़ तहसील में आवेदन दिया है वो किस संबंध में दिया? ग्राम जो है बिनारी घाट वालों ने एक रास्ता के विवाद के संबंध में आवेदन तहसील कार्यालय में आके दिया। किस चीज का रास्ता सर? ठीक है, रास्ता की रास्ता के संबंध में दिया है, जिसमें जो ग्रामवासी उसका उपयोग करते थे अपने पशु निकालने के लिए या खेतों तक जाने के लिए अन्य रास्ते, जो रास्ता सारी जो उपयोग होती है उस उपयोग में वो लेते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।